धर्मावर आधारित हिंदू राष्ट्र संकल्पना नेमकी कशी काय असू शकते असं ज्येष्ठ गीतकार लेखक जावेद अख्तर यांनी म्हटलेलं आहे. पाकिस्तानला त्यांनी पाकमध्ये जाऊन खडसावलेलं होतं आणि आता भारतीयांना देखील त्यांनी या प्रकारे कानपिचक्या दिल्या आहेत. एबीपीच्या आयडियाज ऑफ इंडिया कार्यक्रमात त्यांनी आपलं परखड मत मांडलेलं आहे, सडेतोड विचार व्यक्त केले. टुडे वी आर डूइंग व्हॉट दे हैड डन 70 इयर्स अगो. नाउ यू वांट अ हिंदू राष्ट्र. अरे वो नहीं बना सके, दुनिया नहीं बना सकी, आप क्या बना लेंगे. मगर कमाल की बात यह है कि आपकी समझ में बात आ नहीं रही है. क्या गलती कर रहे हैं हम भाई? आप नहीं चाहते हिंदू राष्ट्र? बोलिए हाँ कि ना. नो, आई थिंक इंडिया इज फाइन. नहीं, सम पीपल वॉन्ट अ हिंदू राष्ट्र, यू डोंट. इंडिया तो जैसे नहीं, हाँ या ना बोलिए ना. मेरे लिए संविधान सबसे ऊपर है. ओके, डन. बट देयर आर सम पीपल हु आर नॉट हैप्पी विद दिस संविधान. दे हैव रिटन अबाउट इट. इट डजंट रिप्रेजेंट द रियल इंडिया. इट इज ऑन रिकॉर्ड. अगर यही है, ये तो आज दिन अभी बात होती रहती है. आप न्यूज़पेपर तो पढ़ते हैं ना कि भाई अब तो इसको कुछ बरस में बना ही देना है हिंदू राष्ट्र. आई डोंट नो व्हाट इज हिंदू राष्ट्र. आई डोंट नो रिलीजन पे बना हुआ राष्ट्र क्या होता है. जिन्होंने बनाया उन्हें देख लीजिए. फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान गलती थी क्या? वो रेक्टिफाई हो सकती है? वापस लाएं? एक किताब लिखी जाए, 10 ब्लंडर्स दैट ह्यूमन बीइंग कमिटेड, तो उसमें फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान भी होगा. इट वॉज इलॉजिकल, अनरीजनेबल, बट ऑल राइट, नाउ इट इज अ रियलिटी, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट. लेकिन वो सही नहीं था और बहुत इलॉजिकल था. रिलीजन जो है वो नेशंस नहीं बनाता. इट इज नॉट इनफ अ ग्लू दैट इट विल फॉर्म अ नेशन. एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट.